हेलो गाइस, मैं खुशी रूप आपका स्वागत करती हूँ खबर आउट में। रातों रात किस्मत ने मारी पलटी, 163 रुपीज में मिल गई करोड़ों रुपए की मोती। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरी लेटेस्ट अपडेट, जो कि जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है और उस दौरान ही पूरी अपडेट है। जानने के बाद आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ये चीज बताइए कि इस महिला को एक्चुअली में उस मोती के साथ क्या करना चाहिए, उसको बेच देना चाहिए या अपने पास रख लेना चाहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किस्मत के बारे में तो हर कोई जानता है, किस्मत जो है वो एक्चुअली में धनी से धनी आदमी को रोड पे ला सकती है और रोड पे बैठे हुए इंसान को एक्चुअली में धनी बना सकती है। किस्मत का यही खेल होता है, किस्मत कभी भी पलट सकती है। किस्मत एक्चुअली में कैसी ऐसी चीजें दिखाती है जिसके बारे में हम लोग आए दिन कुछ ना कुछ चीजें सुनते ही रहते हैं। इसी दौरान ही बताया जा रहा है कि एक महिला अपने घर में स्नेल लेके आई। स्नेल को जब वो काटने लगी, तब काटते वक्त उसके अंदर से एक मोती निकला। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पर्ल्स की कीमत जो है वो काफी ज्यादा है। लोग पर्ल्स को डालने के लिए एक्चुअली में काफी करोड़ों रुपए देते हैं और उसकी ज्वेलरी बनाते हैं और काफी सारी महिला पर्ल्स को पहनना काफी ज्यादा पसंद करती है। इसी बीच में वो स्नेल को जब उसने काटा, तब उसके अंदर से एक मोती निकला। पहले उसको महिला को लगा कि वो जो मोती है वो मोती नहीं कोई पत्थर होगा। कुछ ही महीने पहले उसकी माँ के बारे में भी पता चला कि एक्चुअली में उसकी माँ जो है वो कैंसर से पीड़ित है। इसी बीच में वो उनका इलाज भी करवा रहे थे और काफी ज्यादा गरीब थे। 163 रुपीज में लाइट जो स्नेल थी, उस वो स्नेल एक्चुअली में उनको करोड़ों रुपए का मोती दे देगी, इसके बारे में इस महिला ने कभी सोचा ही नहीं था। उस दौरान उस महिला ने सोचा कि चलो इसको बेच के देखते हैं। और जब उसने ऑनलाइन इसके बारे में पता किया और जब ऑनलाइन सब लोगों को बताया इसके बारे में कि वो बेचना चाहती है, तब काफी सारे लोग जो है वो इसको खरीदने के लिए आगे आए। एक ने उसको 21 लाख रुपए का ऑफर दिया इस पर्ल को खरीदने के लिए। दूसरे ने 88 लाख का ऑफर दिया। एक चाइना के एक बिजनेसमैन ने 2 करोड़ का दिया ऑफर। इसी दौरान ही ये महिला ने और उस महिला के जो कि माँ है, उन्होंने ये चीज सोचा कि अगर लोग इतना करोड़ों रुपया देने के लिए तैयार है तो इस मोती में कुछ खास बात जरूर होगी। तो अभी वो जानना चाहते हैं कि इसकी आखिरकार असली कीमत क्या है। इसीलिए वो महिला जो है इस मोती को अपने पास रखी हुई है। उसका कहना यह है कि इसकी असली कीमत जो होगी वही मैं उसी के ऊपर मैं बेचूंगी। अभी मैं इसको बेचना नहीं चाहती हूँ, पहले मैं देखूंगी कि इसकी असली कीमत क्या है। अभी आप बताइए कि उसको 2 करोड़ तक का मिल रहा है, 2 करोड़ तक के पैसे मिल रहे हैं, जबकि उसके पास इस वक्त पैसे बिल्कुल नहीं है और वो काफी ज्यादा गरीब है। पर ये मोती आने के बाद उनको लगता है कि इस 2 करोड़ से भी ज्यादा उनको पैसा मिल सकता है। तो क्या ये लालच है? क्या उस महिला को ये पर्ल जो है वो 2 करोड़ रुपए में बेच देना चाहिए या उनको एक्चुअली में और भी जो जानकारी जो है इस पर्ल के बारे में निकालनी चाहिए और उसकी सही कीमत जो है वो उनके हाथ में आनी चाहिए? क्या है आपका विचार? कमेंट बॉक्स में हमें भी जरूर बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।